ले लिया ना, काला दिमाग खराब कर रहा है ये आदमी। उनको मंत्री नहीं बनाया गया और नौसिखिए लोगों को मंत्री बनाया गया है, अनुभवहीन लोगों को, कि मंत्रिमंडल का कोई लगता ही नहीं है कि बीजेपी का कोई मंत्रिमंडल में श्रेय है, कोई छाप है। सुशील मोदी जैसे जो भाजपा को खड़ा किए बिहार में, जो ये किए, उनको मंत्रिमंडल से यहाँ से डिप्टी सीएम से हटा के और हल्का कर दिया गया बीजेपी को यहाँ। और इससे बढ़िया तो नीतीश जी ज़्यादा प्रकाश को ज़्यादा ये किए, उन्होंने संख्या जो जीत किया है उसके हिसाब से बहुत सारे मंत्री, बहुत ज़्यादा मंत्री बनाए नीतीश जी। लेकिन बीजेपी ने टोटली अप्रकाश को इग्नोर किया है। और इसका समझिए कि ये कुछ लोग जो नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को धोखे में रख के और गलत लोगों के तक, लोगों को ये तस्वीर सामने रख के मंत्रिमंडल का उन्होंने गठन किया और विस्तार किया, ये समझिए कि दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी को कमज़ोर करना है, कहीं पार्टी को ये लोग ले जाना। कुछ लोग पार्टी के जो यहाँ के बिहार के बड़े नेता हैं या बिहार के देखने वाले लोग हैं जो केंद्र में, जो वो लोग चाहते हैं कि पार्टी का हस्त्र हो जाए राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसा हस्त्र हो जाए पार्टी को, इसलिए कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन तो बीजेपी को जिसने खड़ा किया उनसे ही तवज्जो नहीं दी जा रही है। हाँ, जो